का ये है छठा पाठ महामना मालवीय। तो ध्यान से सुनो। महामनस्विन मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में प्रतिष्ठित यानी कि संपन्न परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्माननीय विद्वान आसीत। अस्य माने इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एव संस्कृत पाठशालाया राजकीय विद्यालय म्योर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षा प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापन आरंभवान। राजकीय विद्यालय में म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य आरंभ कर दिया यानी कि पढ़ाना आरंभ कर दिया। युवक मालवीय स्वकीयन प्रभावपूर्ण भाषणन जनानाम मनांसी ए मोहत। तो युवक मालवीय ने अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम माने लोगों के मनांसी माने मन को मोह लिया, ए मोहत माने जीत लिया यानी कि मोह लिया उनके मन को। किससे? अपने विचार प्रभावपूर्ण भाषण से। अतः अस्य सुहृद तम प्राण विभाग पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरित बनते। इसीलिए इनके जो मित्र हैं उनको वकील की पदवी को प्राप्त करने के लिए यानी कि वकालत करने के लिए देश की सेवा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। किसने? उनके मित्रों ने। तदनुसार अयम विधि परीक्षा उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्राण विभाग कर्म कर्तुम आरंभत। उन्हीं के अनुसार इन्होंने विधि माने कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके अर्थात पास करके प्रयाग में उच्च न्यायालय में वकालत करना आरंभ कर दिया यानी कि वकील की पदवी उन्होंने आरंभ कर दी, वकालत का कार्य आरंभ कर दिया। विधे प्रकृष्ट ग्रानेन मधुर आलापेन उदार व्यवहारेन च अयम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीश च सम्मान भाजनम अभवत। विधे माने कानून के विशेष ज्ञान से, विधे माने कानून के विशेष ज्ञान से मधुर विचार से और मधुर व्यवहार से इन्होंने शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीश के सम्मान के पात्र हो गए, भाजन माने सम्माननीय पात्र बन गए। यानी कि इन्हें कानून का विशेष ज्ञान था तो इसलिए कानून के विशेष ज्ञान से और मधुर आचार विचार से यानी कि मीठा बोलने से और उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों के और न्यायाधीश के सम्मान के पात्र हो गए। नेक्स्ट, महापुरुषा लोक के प्रलोभनेशु बद्धा नियत लक्षणम कदापि भ्रशन्ति। इस महापुरुष ने संसार के प्रलोभन में बंध कर अपने लक्ष्य को कभी भी नहीं छोड़ा, कदापि माने कभी नहीं छोड़ा, देश यानी कि देश सेवा में लगे रहे। फिर भी उन्होंने अपने संसार के प्रलोभन में बंध कर भी जो इनका लक्ष्य था वो उसे नहीं छोड़ा। देश सेवा अनुरक्तो अयम युवा उच्च न्यायालय से परिधौ स्थातुम न शक्नोत। देश सेवा में लगे हुए इस युवक ने उच्च न्यायालय की सीमा में स्थित रहना उचित नहीं समझा, यानी कि खाली एक ही काम करना उन्होंने उचित नहीं समझा कि हमें वकील है तो वकील नहीं, उन्होंने और भी काम करना आरंभ किया। पंडित मोतीलाल नेहरू लाला लाजपत राय पृथ्वी अन्य राष्ट्र नायिकई सह सो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्ण। यानी कि पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय आदि अन्य राष्ट्रीय नायकों के साथ वह भी देश की स्वतंत्रता के संग्राम में उतर पड़े, अवतीर्ण माने उतर आए यानी कि वे स्वतंत्रता संग्राम में लग गए। देहल्या त्रोविस्तमे कांग्रेस अधिवेशने अयम अध्यक्ष पद अलंकृतवान।
दिल्ली में 23 तारीख को कांग्रेस के अधिवेशन में इनको अध्यक्ष के पद पर अलंकृत किया गया, सुशोभित किया गया। रॉलट एक्ट इत्याख्या विरोध से ओजस्वी भाषण श्रुवा आंग्ल शासक भीता जाता। रॉलट एक्ट आदि विरोध के इनके ओजस्वी भाषणों को सुनकर अंग्रेजी शासक भी भयभीत हो गए, अर्थात डर गए। बहुवारम कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीर देश सेवाव्रत न त्यजत। अनेक बार कारागार में डाले जाने पर भी इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा, न त्यजत माने नहीं छोड़ा। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान उत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्न अकरोत्। यानी कि हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए ये निरंतर यानी कि लगातार प्रयत्न करते रहे। शिक्षाविद देशे समाजे च नवीन प्रकाश उदेति। अतः श्री मालवीय वाराणसी काशी विश्वविद्यालय से संस्थापन अकरोत्। शिक्षा के लिए इन्होंने देश देश में और समाज में नया प्रकाश उदय किया और इसीलिए श्री मालवीय ने वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत। और इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा, अयाचत माने मांगा। जनास महत्मस्म ज्ञान यज्ञ प्रभुतः धनस्मय प्रयाच्छन। और लोगों ने भी इस महान यज्ञ में बहुत सारा धन दिया, यानी कि इन्होंने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की तो इन्होंने सभी लोगों ने इनको बहुत सारा धन दे भी दिया। तेन निर्मितो अयम विशाल है विश्वविद्यालय भारतीयम दानशीलताया श्री मालवीय यशस्य च प्रति मूर्ति विभाति। और इसके निर्माण के लिए इन्होंने बहुत बड़ा विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता से श्री मालवीय का यश जो है चारों ओर एक मूर्ति के समान सुशोभित हो रहा है, यानी कि उनका चारों ओर यश फैला हुआ है। साधारण स्थिति को अपी जन है महत्व उत्साहन मनस्त्र पौरुषेण चय असाधारण अपी कार्यम करतुम क्षमे हैं इत दर्शत मनीषी मूर्धन्य मालवीय। यानी कि इस महर्षि बड़े मालवीय ने कहा है कि साधारण स्थिति में कोई भी मनुष्य बड़े उत्साह से मन से पुरुषार्थ से असाधारण कार्य को करने में सक्षम हो सकता है। यानी कि कोई भी कार्य असाधारण हो जो नहीं किया जा सकता, लेकिन जिसके अंदर उत्साह होगा मन होगा पुरुषार्थ होगा तो वो जो ना कार्य हो सकता वो भी कार्य पूर्ण किया जा सकता है, ऐसा इन मालवीय ने दिखा दिया। एतथमेव जनास्त महामना इति उपाधि आरंभ वर्तमानते। इसीलिए लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि देनी आरंभ कर दी। महामना विद्वान वक्ता धार्मिक को नेता पटु पत्रकार आसीत। महामना विद्वान वक्ता भी थे, धार्मिक नेता भी थे और चतुर पत्रकार भी थे, पटु माने चतुर। परमस्य सर्वोच्च गुण है जनसेवा आसीत। इनका सबसे ऊंचा गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि यानी कि पटु माने चतुर। हाँ तो निपुण भी और चतुर भी, चालाक भी कह सकते हैं, निपुण भी कह सकते हैं इसको। तेन